हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शेप्स म्यूज़िक। इस वीडियो में मैं आपके लिए एक और ट्यूटोरियल लेके आया हूँ। बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है, राजन दस्तानी मूवी का है, परदेसी परदेसी जाना नहीं। इसके नोट्स बताने का मैं आपको ट्राई करूँगा, तो शुरू करते हैं सबसे पहले। और एक और बात ध्यान देने की कि मैं आपको जो नोट्स बताऊँगा, सरगम बताऊँगा, वो इस सर के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। जो हम जनरली सर लेते हैं, मैं इसलिए सर के अकॉर्डिंग लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर आप एक बार समझ गए उस कॉन्सेप्ट को, और अगर आपको किसी भी नोट से सरगम बजाना आती है, तो आप अपनी स्किल के अकॉर्डिंग बजा पाएंगे, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा जो स्किल होगी, यानी कि जो इस गाने का जो बेस कॉर्ड होगा वो है एफ शार्प मेजर। तो वो इसकी स्किल होगी एफ शार्प मेजर। ये मैं जो कॉर्ड बजा रहा हूँ वो एफ शार्प मेजर है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको कॉर्ड्स बताने का मैं ट्राई करूंगा कि कॉर्ड्स कैसे बजाते हैं, कौन कौन से कॉर्ड्स होते हैं सरगम में, ठीक है। वो सब मैं बताऊंगा, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपके नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो एफ शार्प मेजर स्किल है मेरी, आप अपने अकॉर्डिंग गा सकते हैं। अगर इसे एक डाउन करना है तो एफ मेजर हो जाएगा, फिर इससे एकदम करना तो ए मेजर, ठीक है। तो ऐसे में आपको एफ शार्प मेजर पे बजा रहा हूँ। तो और जो इसके स है, स मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब इस स के अकॉर्डिंग आपको नोट्स बताऊंगा जो कि हम जनरली प्रैक्टिस में लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो शुरू करते हैं पहले लाइन से, ठीक है। इसमें सिंपल पहली पहली लाइन है परदेसी परदेसी। इसमें सिंपल तीन नोट्स यूज होंगे जो बीच के तीन हैं, ठीक है। ध प म, इस स के अकॉर्डिंग ये क्या हुआ, सा रे ग म प ध, ठीक है। ये मैं शुद्ध स्वर बता रहा हूँ, बाकी जो कोमल है वो आपको पता ही है। नहीं पता तो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, ठीक है। तो अभी आपको तीन नोट्स पे ध्यान देना है, ध प म, ठीक है। मैं एक एक करके बताता हूँ। परदेसी परदेसी, ये हुआ केवल परदेसी परदेसी। इसमें क्या मैंने किया, ध प म, ठीक है, केवल ये हुआ है। जाना नहीं जाना नहीं, मा रे, ठीक है। परदेसी परदेसी जाना नहीं, एक लाइन हुई। इसके नोट्स एक साथ बता देता हूँ, धा पा मा रे मापा मरे, ठीक है। यहाँ पे कॉर्ड आएगा जो डी शार्प माइनर, ठीक। तो पहली लाइन हुई, आपको समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। अब इसकी जो नेक्स्ट लाइन है, मुझे छोड़ के, अब इसमें ध्यान देने की बात है कि जो ध अपन शुद्ध यूज कर रहे थे इस पहली वाली लाइन में, परदेसी परदेसी जाना नहीं, तो उसकी नेक्स्ट लाइन है मुझे छोड़ के। इसमें ध कोमल, ध कोमल क्या हुआ, ध से एक जस्ट पहले, वो हुआ ध कोमल, ठीक है। हर एक नोट का एक जस्ट उसका पहले होता है, वो कोमल सुर में आ जाता है, कुछ एक को छोड़ के। जैसे स का शुद्ध, स का कोमल नहीं होता, सिमिलरली प का कोई कोमल नहीं होता, ठीक है, और म का भी कोई कोमल नहीं होता। म का होता है तीव्र, स और प स्टेबल सुर है, यानी इनका ना तीव्र होता है ना कोमल होता है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट लाइन है मुझे छोड़ के, इसमें आएगा आपका ध कोमल। मैं आपको कॉन्सेप्ट बीच में इसलिए बताते जा रहा हूँ, तो आपको आगे आपको अगर पता है तो ठीक है, रिवाइज हो जाएगा, नहीं पता है तो आपको जानकारी हो जाएगी, ठीक है। तो फिर से शुरू करते हैं। अगर हम तू वाला वर्ड ऐड कर देते हैं तो तू पे जो नोट लग रहा है वो है म, तो म एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। अगर तू नहीं लगते हैं, तू परदेसी परदेसी जाना नहीं, अब इसमें तू नहीं लगाया तो इसमें म एक बार इनकलूड होगा, ठीक है। धा पा मा रे रे मा धा पा पा, अब इसमें जो ध यूज किया मैंने वो ध कोमल है। मुझे छोड़ के रे माधा पापा, अब देखिए फिर से ध कोमल से शिफ्ट हुआ ध शुद्ध पे। मुझे छोड़ के, हाँ मुझे छोड़ के, दादा पा मामा, जो मुझे छोड़ के बड़े, इसको इसने दो बार लिया है। एक बार में जो इसने लिया है नोट वह ध कोमल, दूसरी बार में जो उसकी फीलिंग है वो मेजर फीलिंग हो जाती है, यानी कि एफ शार्प मेजर कॉर्ड लग जाएगा, ठीक मुझे छोड़ के, ठीक है। इतना
इतना क्लियर हुआ हुआ होगा आपको, उम्मीद करता हूँ। अगर आपको नोट्स समझ में नहीं आ रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा आसानी नोट्स इसके, तो आप वहाँ से देख लीजिए, ठीक है। फिर से एक बार मैं पूरा इसका मुखड़ा जो एक बार लेता हूँ इस परदेसी जाना नहीं तो जाना नहीं, मुझे छोड़ उसकी पहले लाइन। अब इसकी नेक्स्ट लाइन पाते हैं, परदेसी मेरे यारा, ये हुआ कॉर्ड लगे हुए इसमें एफ शार्प मेजर। अब देखिए इसमें हम नेक्स्ट ऑक्टेव में चले गए, नेक्स्ट ऑक्टेव का स यूज हो रहा है और डे यूज हो रहा है यहाँ तक, ठीक है। फिर जो आती है परदेसी मेरे यारा, ये वाली लाइन है, सा सा दा सा 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 परदेसी मेरे यारा, परदेसी मेरे यारा, ठीक है। फिर से देखिए, परदेसी मेरे यारा, परदेसी मेरे अगर आपको दिखने में पता लग रहा है, सुनने में पता लग रहा है, ठीक है। फिर से मैं बता देता हूँ, परदेसी मेरे यारा, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। उसके बाद वादा वादा वर्ड पर फोकस कीजिए, वादा साधा, जो आपको स लेना है उसमें स को दबाते हुए इसको दबाए रखना है, फिर र को टच करके दूसरी उंगली से जो बीच वाली उंगली है ये करना है आपको, स दबाए रहना, ठीक है। स आपको कॉन्स्टेंट आवाज आ रही है आपको स की, परदेसी मेरे यारा, वादा साधा दा दा। अब देखिए इसमें पहला ध मैंने लिया तो वो ध कोमल ध शुद्धि हुआ था, उसके बाद जो लिया वो कोमल हुआ है, ठीक है। परदेसी मेरे यादा यारा वादा निभाना, परदेसी मेरे यारा, वादा निभाना साधा दा दा, आप सुनने में पता लग रहा होगा। अब फिर नेक्स्ट लाइन है, मुझे याद रखना, जो मुझे याद रखना है और इससे पहले वाले ना इसकी नोट्स सेम होंगे क्योंकि कंपोजिशन सेम है, ठीक है। मुझे याद रखना कहीं भूल, अब जो कहीं भूल है वहां पे आपको ग कोमल भी यूज करना है, जो नेक्स्ट ऑक्टेव का ग कोमल है, ग शुद्धि होता है इससे जस्ट पहले एक नोट वो होगा ग कोमल। फिर से एक बार पूरा लेते हैं, परदेसी मेरे यारा, वादा निभाना हमें याद रखना, कहीं भूल न जाना, सारे गा सा दा सा दा पमा, ठीक है। एक एक उंगली से बजाता हूँ ताकि आपको दिखे थोड़ा बहुत, कहीं भूल न जाना, कहीं भूल न जाना। फिर इसके बाद जो लाइन है परदेसी जाने की फिर से रिपीट होगी, तो कंपोजिशन में आपको बता चुका हूँ उसकी नोट्स, ठीक है। फिर से एक बार पूरा लेते हैं मुगड़ा ताकि आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हो इसकी, परदेसी जाना नहीं तू जाना नहीं, एंडिंग नोट है मुखड़े की वो खत्म होगा वहाँ पे, खत्म होना है यानी कि एफ शार्प पे, क्योंकि हमने एफ शार्प से शुरू किया था, जो स्केल जिसका बेस कॉर्ड था वो था एफ शार्प मेजर, ठीक है। ये हुआ इसका मुखड़ा। अब इसके अंतरे पे आते हैं, जो अंतरे का पहला वर्ड होगा, पहला नोट होगा, वो स्टार्ट होगा प से, ठीक है। इसका सुर लगेगा प लगेगा, मैंने तुमको चाहा तुमसे प्यार किया, ये इसकी बोल है, मैं इसके बताऊंगा। मैंने केवल मैंने पे फोकस करेंगे, मैंने वाला होगा पा धा दा पा, ठीक है। ये हुआ मैंने, मैंने तुमको, ठीक है। अब आपको
देखने से पता लग रहा होगा कि मैंने और तुमको के नोट्स सेम है। अगर आपको मैंने का नोट समझ में आ गया तो तुमको भी सेम है। मैंने तुमको चाहा, अब देखिए आप चाह का भी सेम है क्योंकि कंपोजिशन सेम है, मतलब सेम कंपोजिशन में तीन वर्ड्स को ले रहा है। ठीक है, मैंने तुमको चाहा तुमसे, मैंने तुमको चाहा तुमसे, ये चारों वर्ड्स की कंपोजिशन सेम है तो इसलिए इनके नोट्स भी सेम है, केवल बोल अलग अलग है, तो ये आपको सुन के पता लगना चाहिए। ठीक है, मैंने तुमको चाहा तुमसे, यहाँ तक हुआ। प्यार किया, प्यार क्या पे अलग है, प्यार क्या पे क्या है, प्यार किया मा पा दा पा। ठीक है, आपको देखने से पता लग रहा होगा क्योंकि मैंने एक उंगली से बताया, फिर से देखते हैं। मैंने तुमको चाहा तुमसे प्यार किया प्यार क्या को रिपीट किया है तो नोट सेम होंगे। प्यार किया पा मा पा धा पा मा पा धा पा। यहाँ तक वो, फिर हर पल अपना दिल, हर पल, अब इस पे हर पल पे थोड़ा नोट जो है इसकी पिच हाई हुई है ना, तो आपको लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करना है, यानी कि पहले हम प से स्टार्ट कर रहे थे तो वो ध पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि सॉरी ये जो नोट है वो है नी कोमल, नी होता है नी कोमल ये होगा। ठीक है, हर पल नी नी, हर पल पे केवल नी नोट लगेगा, हर पल अपना, हर पल और अपना, यहाँ तक इसका नी नोट जो है चार बार, हर पल अपना दिल, जो दिल है उस पर सर तीव्र तीव्र ऑक्टिव का लग जाएगा। ठीक है, हर पल अपना दिल तुझ पे, दिल के बाद केवल दिल पे सर लगेगा, फिर तुझ पे ध लग जाएगा, ध शुद्ध। हर पल अपना दिल तुझ पे वार दिया, पा धा धा पमा वार दिया, पा धा 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 पा सॉरी, जो ध है ध के बाद प माँ पे शिफ्ट करना है, पहले प, वार दिया, पा धा 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 पमा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है, हर पल मेरी याद तुम्हें तड़पाएगी, तो इसके बोल सेम है, सॉरी इसके बोल अलग है लेकिन कंपोजिशन सेम है, तो इसकी नोट्स भी सेम होंगे। ठीक है, हर पल मेरी याद तुम्हें तड़ पाएगी पाएगी, मैं जागूंगा नींद तुम्हें ना मैं इसकी आपको पहले बता चुका हूँ नोट्स, तो इसकी भी नोट्स सेम होंगी क्योंकि कंपोजिशन सेम है, भले ही बोल कुछ भी हो लेकिन कंपोजिशन मैटर करती है नोट्स के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है, इसकी भी नोट्स मैं आपको बता चुका हूँ कहाँ पे, जो इसकी स्टार्टिंग हुई थी वहाँ पे आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो आपको सुन के पता लगेगा। परदेसी मेरे यारा, वादा निभाना, हमें याद रखना, कभी इसके बोल कुछ भी हो लेकिन कंपोजिशन सेम है, तो आप बोल इसके जो गाना है ओरिजिनल वहाँ से सुन सकते हैं, लेकिन जो कंपोजिशन है नोट्स हैं इसके सेम रहेंगे। ठीक है, तो एक बार इसको पूरा ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, परदेसी जाना नहीं, दूर जाना नहीं, हमें छोड़ के, हमें छोड़ जो नेक्स्ट कंपोजिशन है वो मैं बता चुका आपको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा थोड़ा बहुत। और वीडियोस जानने के लिए और ट्यूटोरियल्स देखने के लिए जो मैं एक सीरीज स्टार्ट करूँगा, एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें आपको जो अलंकार वगैरह हैं, जो राग हैं, जो थाट्स हैं, इनकी वीडियोज़ बना के अपलोड करूँगा, और वह काफ़ी और जो बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं यानी कि जैसे बांसुरी, गिटार, इनके ट्यूटोरियल भी बनाऊंगा, तो आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हैं, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वो मुझे मोटिवेट करेगा और वीडियोज़ बनाने में और आप लोगों की हेल्प करने में जितना मुझे पता है। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।